फ़ायदा ये होता है कि हम किसी पे डिपेंड नहीं करते, आप जो करना है खुद से कर सकते हैं। जैसे कहते कि भाई नहीं भाई आएंगे या डैडी आएंगे तो उन्हीं के साथ जाना है, कौन लेके जाएगा भाई। कन्वेंस की भी इतनी वो नहीं होती कि क्योंकि आधी सैलरी तो कन्वेंस भी चली जाती है कि ये इधर दे दिया उधर दे दिया, क्रीम वालों को दे दिया, रिक्शा टैक्सी। बाइक ये होती है कि अपनी कन्वेंस होती है, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ही है कि आपका जहाँ जाना है खुद जा सकते हैं आप। काफ़ी सारे लड़के ना देखा ना कि लड़कियां जा रही हैं तो बस कोई इधर से आ रहा कोई इधर से आ रहा है, इवन के रिक्शे में थी लेडीज़ भी बैठी हुई थी, उनके साथ भी उन्होंने नहीं किया कि हमारे साथ कुछ लेडीज़ हैं। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने इस तरह से किया, जो मेरे साथ दूसरी ट्रेनर थी वो थोड़ा सा आगे गई है, आगे पुलिस वाले थे तो उसने ना आगाह कर दिया कि जो पीछे लोग आ रहे हैं ना जरा इनको पकड़ लें। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा किया कि भाई वो ये ना समझे कि लड़कियाँ कमज़ोर है कुछ कर नहीं सकती हैं। तो पुलिस वालों ने हमारे साथ दिया था, उन्होंने उनको पकड़ लिया, भैया ठीक है क्यों मस्ती कर रहे हो। हंड्रेड परसेंट में से 98 होते हैं जो डिग्रेड कर देते हैं लोगों को आके, इस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्कुल लो कर देते हैं हमारा। तो जो 2% होते हैं उसमें से जो अप्रिशिएट करते हैं ना हमारा, वो 2% ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप कर देते हैं। सात सौ के करीब खवातीन को ट्रेन कर चुके हैं। अचीवमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने सोचा भी नहीं था इसका इतना अच्छा रिस्पांस आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। आज 700 हैं, कल 7000 होंगी, 7 लाख भी हो जाएंगी। वक्त लगता है हर चीज़ को, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन सीखें चलाएँ। मैं तो कहता हूँ कि अपना जो काम है वो इंडिपेंडेंटली करें, बजाय इसके कि बसों के रिक्शा टैक्सी के धक्के खाएँ।